प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अनुज कृपाशंकर के आकस्मिक निधन की खबर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने अपने शोक संदेश में कहा कि कृपाशंकर सिंह के निधन की खबर से मन मरमाहत है। कृपाशंकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके मृदुभाषी व्यक्तित्व समतामूलक विचारधारा को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के राजनीतिक व्यवस्थाओं को वे बखूबी संभालते थे तथा बलिया के लोगों को दिल्ली में एक अभिभावक सा अपनत्व देते थे। चंद्रशेखर के परिवार से निकटतम संबंध होने के कारण मुझसे उनका आत्मीय लगाव था। कई कई दिनों तक हम लोगों ने दिन रात जाकर चंद्रशेखर प्रधानमंत्रित्व काल के अनेकों कार्यक्रम को संचालित किया थे। उनके स्नेह सहयोग आत्मीयता को भुलाना मेरे लिए कठिन होगा। कृपाशंकर सिंह के साथ राणा प्रताप सिंह पिछली बार लॉकडाउन से पहले उनके दिल्ली आवास पर सप्रेम मिले, काफी ढेर सारी बातें किया। राणा प्रताप सिंह से बिल्कुल दिल खोर कर उनके दिवंगत होने से राणा प्रताप बहुत दुखी हैं और कहे कि श्रद्धेय अध्यक्ष चंद्रशेखर के बाद गर्जियन का स्नेह इन्हीं से मिलता था। आपकी चिर स्मृतियां आजीवन साथ रहेंगी। गतात्मा को नमन और बारंबार प्रणाम। मैं उनकी दिव्यंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। शोक संवेदना व्यक्त करने वाले प्रमुख लोगों में सपा नेता एवं सजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जयदीप यादव, राणा प्रताप सिंह, निर्मल सिंह एवं सपा नेता सुशील कुमार पांडे, कान्हा जी आदि रहे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।